राधे राधे एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा करते समय कलश पर नारियल कैसे रखा जाता है और नारियल रखने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई भी पूजा होती है तो हम कलश स्थापना करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि नारियल का मुख किधर करना चाहिए और किस दिशा में करना चाहिए, किस दिशा में नारियल सीधा होता है। तो यही आज जानकारी लेकर के आए हैं, यानी नारियल का मुख किस तरफ करना चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं होता है नारियल का मुख किधर करना चाहिए और पूजा में उल्टा नारियल रखने से इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नारियल का मुख किधर करना चाहिए और किधर होता है, आज की वीडियो इसी पर है। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूजा के लिए आप एक नारियल ले लीजिएगा। नारियल हमें हिलाकर देख लेना है, हमें पानी वाला नारियल लेना है। अगर आप उसको हिलाकर देखेंगे तो उसमें पानी की आवाज़ आएगी। और जब भी आप पूजा के लिए नारियल ले रहे हैं तो जटा वाला नारियल लें, छिला हुआ जो नारियल होता है वो ना लें। इस तरीके से आप जटाएँ जो बनी होती हैं नारियल पर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो वाला आप नारियल लें और पानी वाला नारियल लें। बजाकर ज़रूर देख लें जब भी आप अपने पूजा के लिए, किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए, शुभ कार्य के लिए नारियल ले रहे हैं तो आप नारियल को अवश्य बजाकर देखें जिसमें से पानी की आवाज़ आए। फ्रेंड्स, कलश पर स्थापित करने के लिए हमेशा हमें जटा वाला नारियल ही लेना होता है। और आप जब नारियल की स्थापना करें तो खाली नारियल कभी भी कलश पर स्थापित ना करें, यानी कलश पर स्थापित करने से पहले आपको नारियल पर कलावा या फिर कोई चुनरी आती है जो नारियल पर बांधी जाती है, वो आप उसे आप नारियल पर बांध कर ही, लपेट कर ही, या फिर आप चाहें तो लाल कपड़ा भी नारियल पर लपेट कर कलश पर स्थापित कर सकते हैं। आपको नारियल पर कुछ ना कुछ ज़रूर लपेटना है। धागा लपेट सकते हैं, कलावा लपेट सकते हैं, या चुनरी लपेट सकते हैं, या कोई भी लाल कलर का वस्त्र लपेट सकते हैं। अगर आप नारियल पर कलावा लपेट रहे हैं तो 5 बार या 7 बार घुमा करके हमें कलावा लपेटना है। तो इस तरीके से हमें नारियल पर कलावा बांध कर फिर रखना है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि कलश पर नारियल रखा कैसे जाता है, नारियल का मुख किधर होता है, तो ये जान लेते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से आप नुकीली साइड देख रहे हैं, जो ज़्यादा नुकीली साइड है, और एक तरफ ये जहाँ से नारियल को कट किया गया है, एक साइड वो होती है, तो ये दो साइडें होती हैं और जिसमें से एक साइड उल्टी होती है और एक साइड सीधी होती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि नारियल हमें कलश पर कैसे रखना है? सबसे ज़्यादा लोग इसी बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है नारियल का मुख किधर है। ये नारियल की नुकीली साइड जो होती है, ये नारियल का पीछे का हिस्सा होता है, यानी ये नारियल की नोक होती है, वो नारियल की टेल होती है, और ये साइड जो नारियल का डंठल होता है, ये नारियल का मुख होता है। उसी साइड से नारियल को कट किया जाता है और कटे हुए का निशान भी हमें दिखाई देता है कि यहाँ से डंठल को काटा गया है। एक साइड नुकीली होती है और एक साइड डंठल होता है। जब हम कलश पर नारियल स्थापित करते हैं तो नारियल का नुकीला हिस्सा जो होता है वो कलश के अंदर जाता है, यानी पानी में जाता है, यानी पानी में डूब जाता है, और डंठल वाला जो हिस्सा होता है, यानी जिस सिरे से जिसको काटा जाता है नारियल को, वो कटा हुआ जो हिस्सा होता है वो नारियल का कलश पर जब हम स्थापित करते हैं वो ऊपर की तरफ होता है। तो इस तरीके से नुकीला हिस्सा है वो कलश के अंदर पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, और जो कटा हुआ हिस्सा होता है नारियल का वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं तब ये कंडीशन होती है। अगर आप लिटाकर नारियल रखना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से रखना है, और जब नारियल को छील कर काटा जाता है तो जो कटा हुआ हिस्सा होता है ना, जहाँ डंठल जुड़ा हुआ होता है, यानी नारियल के पेड़ से जुड़ा होता है ना, यहीं पर दो आँखें होती हैं और यहीं पर बीज होता है जो नारियल का में निकलता है। और अगर फ्रेंड्स आप लिटाकर पूजा में नारियल रखना चाहते हैं तो पूजा करने वाले व्यक्ति के तरफ ये डंठल वाला हिस्सा होना चाहिए, यानी मुख होना चाहिए, यही नारियल का मुख होता है। तो इस तरह से हमें नारियल को स्थापित करना होता है। ये नारियल को स्थापित करने का सही तरीका है जो आप फोटो में देख रहे हैं, यानी वीडियो में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, जिन फोटो और वीडियोस में आप देखते होंगे काफ़ी बार कि जो नारियल का नुकीला हिस्सा जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे घर परिवार पर। तो उस तरीके की चीज़ें
बनावटी और सजावटी होती हैं और वहीं तक वो अच्छी लगती हैं, वहीं तक वो सीमित होती हैं। जब हम कोई धार्मिक चीज़ों से जुड़कर अपनी पूजा स्थान पर बैठ करके अपनी पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो हमें सही तरीका उसका पता होना चाहिए, सही दिशा पता होना चाहिए, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके होंगे, नवरात्रे आने वाले हैं, काफ़ी फेस्टिवल आने वाले हैं, तो आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है और कलश पर नारियल कैसे रखना है, मैं एक बार लास्ट में डिटेल में तो नहीं, शॉर्ट में फिर से आपको बता देती हूँ। जो नुकीली साइड है, अगर खड़ा करके रखना चाहते हो नारियल, तो वो जल में डूबी हुई होनी चाहिए, यानी कलश में अंदर जल में होनी चाहिए। और लिटा कर रखना चाहते हो तो जो डंठल वाला हिस्सा है, कटा हुआ, जहाँ से सिरा होता है, वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो का आधार जो है, मेन तत्व जो है, वो समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कलश स्थापना करेंगे, तो इसी तरीके से कलश पर नारियल की स्थापना करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।